फ्रेंड्स अभी आप जो अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए मैंने स्काई का कलर कुछ इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, आप नॉर्मल वीडियो भी देख सकते हो और एडिटिंग वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स नॉर्मल वीडियो कुछ इस तरह से था, उसके बाद मैंने स्काई का कलर चेंज करके कुछ इस तरह से कर दिया। और फ्रेंड्स आप अपने वीडियो का भी इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो स्काई का, तो कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको देखिए स्काई का कलर चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल वीडियो अच्छे से शूट करना है। तो आपको नॉर्मल वीडियो उस जगह पे शूट करना है जहां पर आपका स्काई भी दिखे, ठीक है, और आपके वीडियो भी एकदम परफेक्ट दिखे। तो देखिए कुछ इस लड़की की वीडियो लिए मैंने एग्जांपल के लिए, ठीक है, इस लड़की की वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे ही आपको अपने वीडियो के साथ भी करना है। तो देखिए नॉर्मल वीडियो शूट कर लेना जैसा भी आप करना चाहते हो, ठीक है, जो भी सॉन्ग पर या जो भी डायलॉग पर। उसके बाद आपको आगे क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका भाई का नाम भी लिया, मेरा नाम अंकित परमार और आप देख रहे एपी की टेक यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दिएगा। तो अब चलते वीडियो पूरी वॉच करना, क्योंकि आप जरा से भी स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आने वाला। और इस तरह का आपको स्काई का कलर चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको देखिए कैप कट ऐप को ओपन कर लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट उसे ओपन कर रहा हूं मैं, आपको भी कर लेना। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने कैप कट ऐप ओपन कर लिया, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कैप कट ऐप डाउनलोड नहीं है और आप डाउनलोड करना चाहते हो और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है कि कैप कट ऐप कैसे डाउनलोड करें। देखिए आई बटन पर लिंक दे रहा हूं, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए यहां से आपको नॉर्मल वीडियो ले लेना है, ठीक है, जो भी आप वीडियो का स्काई चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मतलब कलर चेंज करना चाहते हो स्काई का, उस वाली वीडियो को ले लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैं इस लड़की की वीडियो ले लेता हूं, ठीक है, मैंने आपको शुरू में कहा था इस लड़की की वीडियो लूंगा। उसके बाद यहां पर एट पर क्लिक कर दूंगा इसे सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहां पर आपको अपनी वीडियो लेना है, ठीक है, ना कि किसी और की। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी है तो मैं इसे 13 सेकंड अभी रखूंगा, ठीक है, वीडियो पर क्लिक करूंगा और यहां पर स्प्लिट पर क्लिक करके यहां से ये वाला जो पार्ट है इसे कर दूंगा डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दिया। उसके बाद ये जो वाटरमार्क दिख रहा है इसे भी कर देंगे डिलीट। उसके बाद यहां पर देखिए आपको वीडियो में आगे आ जाना, आगे आने के बाद यहां पर आपको ओवरले पर क्लिक कर देना, ओवरले पर क्लिक करने के बाद एड ओवरले पर क्लिक कर देना और इसी वीडियो को आप दोबारा ले लेना, ठीक है, जो अभी हमने वीडियो ली इसी को हम एक बार और ले लेंगे और यहाँ पर एट पर क्लिक कर देना है। तो ये जो वीडियो है फिर से देखिए काफी ज्यादा बड़ी रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इस वीडियो के बराबर आपको ये वाली वीडियो भी मैं अभी रख लूंगा, ठीक है। आप अपने वीडियो का भी अगर आपको वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है तो कुछ इस तरह से कट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसे स्प्लिट पर क्लिक करके दो भाग कर दिया, उसके बाद एक को कर देंगे डिलीट क्योंकि कुछ काम का नहीं है। उसके बाद आपको फिर इस पर क्लिक करना है और आपको दोनों फिंगर से जूम कर लेना, तो जितनी बड़ी आपकी नीचे वाली वीडियो उसको उतना बड़ा कर देना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करना, ठीक है, नीचे वाले वीडियो के बराबर कर देना ऐसे। और उसके बाद आपको आगे चले जाना, आगे आने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको टर्बो वीपीएन को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। टर्बो वीपीएन कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, इस वाली वीडियो को देख लीजिए, आई बटन पर जाइए और देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैंने बीच में बताया कि आपको टर्बो वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है, तो आप कनेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना, रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो आपको प्रोसेसिंग चल सकती है थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज चल सकते हैं 1-3, तो 100 हो जान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने पहले से कर रखा था तो मेरे इसमें डायरेक्ट क्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहां पर आपको फिर से यहां पर देखिए आगे आ जाना और यहाँ पर आपको देखिए कुछ नहीं करना, आप एक बार बैक कर देना, ये देखिए बैक करने के बाद अब आपको एड ओवरले पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको इसमें डायरेक्ट नहीं दिखा तो एक बार और बैक करना और यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करना, एड ओवरले दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्काई लेना है, तो देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे 3 से 4 स्काई के लिंक, ठीक है, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, क्रोम से भी कर सकते हो, आपको लिखना है स्काई बैकग्राउंड वीडियो, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। तो मैं एग्जाम्पल के लिए अभी ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे तो आपको समझाना है तो मैं एग्जाम्पल के लिए ये वाला ले रहा हूँ। और उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एट पर क्लिक कर देना, ठीक है। एट आप दूसरा भी ले सकते हो, मैंने बहुत सारे लिंक दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसे कुछ इस तरह से बड़ा करना, बड़ा करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से ये यहां पर लगा देना, देखिए ये देखिए और बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए यहां पर ये यहां पर लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना, ये देखिए यहां पर आगे बढ़ाते रहना और यहां पर आपको लेयर दिखाई देगी, इस पर क्लिक कर देना और यहां पर आपको फर्स्ट पर क्लिक कर देना। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। इसी तरह से दूसरा बैकग्राउंड भी आपको लगाना है, ठीक है, दूसरा स्काई का बैकग्राउंड भी आपको लगाना, इसी तरह से लगाना, सभी इसी तरह से लगाना। उसके बाद आपको राइट कर देना। उसके बाद अब आपको क्या करना, तो आपको देखिए फिर आगे बढ़ाना और यहां पर आपको मार्क्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना और उसके बाद यहां पर आपको स्प्लिट पर क्लिक कर देना। और उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है इसको कुछ येलो कलर की शेडो, इसको कुछ इस तरह से नीचे लाना है, पहले नीचे लाने के बाद आपको ये जो है इसे कुछ इस तरह से नीचे कर देना, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है राइट, तो ये देखिए आपका स्काई लग चुका। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर रखना, इसको कुछ इस तरह से आगे ले आना, इस पर क्लिक कर रखा और ये देखिए कुछ इस तरह से आगे ले आना, ये देखिए।
उसके बाद ये देखिए स्काई लग चुका आप देख सकते हो ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसे कर यहाँ पर क्या करेंगे इसको बराबर कर देंगे वीडियो को ये देखिए, और इसका इसको भी थोड़ा सा हम कट कर देंगे ये देखिए, तो ये सब बराबर हो चुका है ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है तो देखिए यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह से अभी स्काई लगाए देख सकते हो ठीक है। यहाँ पर आप दूसरा जो लगाओगे वो भी कुछ इसी तरह से लगेगा ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए वो जो ये वाला स्काई है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है ठीक है। आप ये वाला जरूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आपको वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है। तो वीडियो सपोर्ट हो रही है जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।